हवालदार जी। क्या है? मुझे वहाँ से कुछ फूल ले लेने दो। ले ले। बात यह है, आज हमारे घर में पूजा है ना, और जिस देवता की पूजा है उसके लिए यही फूल चाहिए, वरना पूजा नहीं हो सकती। सारा गांव ढूंढ आई हूँ, ऐसे फूल कहीं मिलते ही नहीं। ले लेने दो ना। अंदर जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है। हवालदार जी तुम बहुत अच्छे हो, बस दो फूल लेके चली जाऊंगी। कहाँ से आई हो? मुझे नहीं पहचानते तुम, मैं पोस्ट मास्टर जी की बेटी हूँ। सदाशिव बाबू की बेटी हो? हाँ। अच्छा अच्छा बोल लो। आइए आइए दरोगा साहब, आइए तशरीफ रखिए। बात क्या दरोगा साहब, रातों रात घर के चारों तरफ कांटेदार तार लगवा दी, दरवाजे पर तो हथियारबंद सिपाही खड़े करवा दिए, ये अचानक मेरी इज्जत में चार चांद क्यों लगाए जा रहे हैं? अजी आपकी इज्जत तो करनी ही पड़ती है, आप ठहरे शाही मेहमान। अच्छा तो कल रात की वारदात से क्या आप बिल्कुल नावाकिफ हैं? तो फटाकों से आवाज तो पड़ी थी कानों पर। आपके उन फटाकों की आवाज से ही तो हम सबों की नींद हराम हो गई। नहीं नहीं मुझे तो नौकर भी दिया वो है गूंगा और बहरा, गांव वालों से बात करने की मनाही, अब आपके नए इंतजाम से ऐसा मालूम पड़ता कि बाहर जाना तक बंद है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, कल के हादसे के बाद हमने एहतियातन ये बंदोबस्त किए हैं। पर दिक्कत तो मुझे ही होना दरोगा साहब। बखुदा आपकी दिक्कतों और परेशानियों का मुझे एहसास है, पर कुछ कर नहीं सकता। हाँ मैं इतनी इजाजत दे सकता हूँ, यहाँ की पब्लिक से तो नहीं, सरकारी आदमियों से आप मेल जोल रख सकते हैं, उनसे वाकफियत भी कर सकते हैं, मैं कोई इतराज नहीं करूँगा। बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी दरोगा साहब। अच्छा तो मैं चलूँ, आप एक बार थाने में आ जाइए हाजिरी देने के लिए। जी अच्छा। अरे ठीक है वो तो पोस्टमास्टर जी की साहस गाड़ी है।